चैप्टर नंबर टू एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 9 द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो ऑफ 5:7 फोर इयर्स लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 इयर्स व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज तो हमें फाइंड आउट क्या करना है उनकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है उनकी एज का रेशियो अभी 5:7 है और आफ्टर फोर इयर्स उनके एज कितनी होगी उसकी एज का सम होगा हमारा 56 इयर्स तो यहाँ पे हम क्या लेंगे लेट देयर प्रेजेंट एज उनकी हम प्रेजेंट एज क्या एक्स वो करेंगे एक्स का करेंगे एक्स से ठीक है 5:7 है तो राहुल की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी राहुल प्रेजेंट एज विल बी 5x एंड हरुण्स प्रेजेंट एज उसकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी यहाँ पे 7 उसका रेशियो में कितना है 7 पार्ट है ठीक है तो अब आफ्टर 4 इयर्स क्या दिया हुआ है आफ्टर 4 इयर्स तो हम इसमें क्या करेंगे ये प्रेजेंट एज है उसके बाद के 5 ये क्या हो जाएगी 5x+4 राहुल की एज हो जाएगी और 7x+4 हरुण की एज हो जाएगी ठीक है ये किसकी वजह राहुल की एज राहुल एज और ये हरुण एज अब इन दोनों का टोटल इन दोनों का सम हमारा दिया हुआ है 56 इयर्स ठीक है तो क्या हो जाएगा 5x+4+7x+4=56 इयर्स राइट अब इसका हम टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5+7 12x+4=8 56 अब यहाँ पे 12x 56 प्लस में यहाँ पे 8 है तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हमने क्या किया ट्रांसपोजिंग किया ठीक है तो क्या आ जाएगा 12x=6 मीन्स 16 - 8 क्या हो जाएगा 8 और यहाँ पे 5 का क्या हो जाएगा 4 तो 12x=48 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हमने क्या किया यहाँ पे ट्रांसपोजिंग किया 12 × 12 = 48 तो x कितना आया हमारा 4 x की वैल्यू आई हमारी 4 अब यहाँ पे हम क्या करते हैं राहुल्स प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है तो राहुल्स प्रेजेंट एज हमारी कितनी है 5x तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी यहाँ पे 4 आई तो 5 × 4 तो कितना हो जाएगा राहुल की प्रेजेंट एज हो जाएगी 20 इयर्स ठीक है अब हम देखते हैं हरुण्स प्रेजेंट एज हरुण्स प्रेजेंट एज वो है हमारी 7x दी हुई है ठीक है तो इसमें हम इसकी वैल्यू डालेंगे इसकी कितनी है x की वैल्यू 4 तो 7 × 4 = 28 तो राहुल की प्रेजेंट एज है 20 इयर्स और हरुण्स प्रेजेंट एज इज 28 इयर्स क्वेश्चन नंबर 10 द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो ऑफ 7:5 मतलब बॉयज का रेशियो 7 और गर्ल्स का रेशियो 5 द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ अब हमें क्या करना है पहले लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स क्या एज्यूम करेंगे हम बी इन एक्स एक्स में एज्यूम करेंगे कैसे एक्स बॉयज रेशियो कितना है हमारा 7 तो क्या हो जाएगा इसे हम एज्यूम करेंगे 7x एंड गर्ल्स रेशियो हमारा है कितना दिया है वो है हमारा 5 सो यहीं से क्या हम एज्यूम करेंगे 5x ठीक है तो गर्ल्स जो बॉयज है वो कितने हैं संख्या उनकी 7x और बॉयज की 7x और गर्ल्स की 5x अब क्या दिया हुआ है द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स अब जो 7x है नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं हमारे नंबर ऑफ बॉयज है हमारे 7x यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ बॉयज ये हमारे क्या है नंबर ऑफ बॉयज 7x है वो नंबर ऑफ गर्ल्स उससे भी कितना है 8 मोर देन मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स जितनी होगी उसमें हम 8 ऐड करेंगे ना तब जितना नंबर ऑफ गर्ल्स बनेगा ना उतना हमारा इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज बनेगा अब ये हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमारा इक्वेशन मिल गया अब हम इसे सॉल्व करेंगे 7x यहाँ पे प्लस में है तो 5x इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो
माइनस हो जाएगा। ये हमने क्या किया, ट्रांसपोजिंग फाइव एक्स टू किस तरफ किया, आर एच एस, ठीक है, इसे हमने किया एल एच एस किया, राइट। अब सेवन माइनस फाइव कितना हो जाएगा, टू एक्स इक्वल टू एट। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पे कहाँ जाएगा वो, डिवाइड में। ये हमने किया ट्रांसपोजिंग टू टू आर एच एस, राइट। टू हजार टू, टू टू हजार फोर, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, फोर, ठीक है। अब हमारे बॉयज है, नंबर ऑफ बॉयज, ये नंबर ऑफ बॉयज हमारे कितने आएंगे, सेवन एक्स, तो कितना आ जाएगा, सेवन मल्टीप्लाई बाई फोर, कितने हो जाएंगे, ट्वेंटी। अब नंबर ऑफ गर्ल्स कितना दिया है, फाइव एक्स, तो फाइव मल्टीप्लाई बाई फोर कितना आ जाएगा, ट्वेंटी। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज है 28 और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है हमारी 20। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल क्लास स्ट्रेंथ, मतलब टोटल क्लास में जो बच्चों की संख्या है वो टोटल कितनी है। तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, नंबर ऑफ बॉयज हमारे हैं 28, नंबर ऑफ गर्ल्स है हमारी 20, तो टोटल हमारी क्लास की स्ट्रेंथ कितनी आ गई, 48। क्वेश्चन नंबर 11, भरत्स फादर्स एज इज 26 इयर्स यंगर देन भरत्स ग्रैंडफादर एंड 29 इयर्स ओल्डर देन भरत। अब भरत के जो पापा है, मतलब जो उनके फादर है, उसकी एज है उसके ग्रैंडफादर से 26 इयर्स यंगर, मतलब कम है, और 29 इयर्स है वो भरत से ज्यादा है, ठीक है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 इयर्स, मतलब भरत, उसके फादर और उसके ग्रैंडफादर, उन तीनों की एज है, उनका सम करेंगे तो हमारा 135 आंसर आएगा, ठीक है। व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, अब इन तीनों की एज क्या है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट द एज ऑफ भरत की एज है उसको हम क्या लेंगे, डी एक्स ईयर्स, क्या एज्यूम करेंगे, एक्स ईयर्स। अब भरत फादर्स एज हमें क्या किया हुआ है कि भरत के फादर की एज है वो उससे 29 इयर्स ज्यादा है, ठीक है। तो एक्स प्लस 29 इयर्स, भरत की एज है वो एक्स है, उसमें 29 इयर्स ऐड करेंगे तभी उसके फादर की एज मिलेगी। अब क्या दिया हुआ है, भरत ग्रैंडफादर्स एज, अब उसके ग्रैंडफादर की एज है वो क्या दिया हुआ है कि उसके फादर की एज से उनकी 26 ईयर यंगर है, तो मतलब x प्लस 29 प्लस 26 ईयर्स, ये उसकी क्या, उसकी एज हो जाएगी उनकी, मतलब उसके ग्रैंडफादर की एज। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x 9 प्लस 6 15, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, तो उसके ग्रैंडफादर की एज हो जाएगी x प्लस 55 ईयर्स। अब इन तीनों का टोटल है वो हमारा है 135 ईयर्स, राइट। सम ऑफ ऑल थ्री, राइट, और थ्री एज उनकी एज है वो, उसका टोटल है हमारा 135 इयर्स। तो हम यहाँ पे करेंगे, ये एक्स प्लस 29 इयर्स, ये उसके फादर की एज, पहले भरत की एज, फिर भरत फादर्स की एज, अब एक्स प्लस 55 इयर्स, ये हो गई उसके जो ग्रैंडफादर है उनकी एज। अब इन तीनों का सम वो हमारा कितना है, 135, ठीक है, 135 इयर्स। अब इस ये हमें मैथमेटिकल इक्वेशन मिल गया है, स्टेटमेंट मिल गया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। प्लस 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 14, 2 प्लस 1 3 एंड 5 कितना हो जाएगा, 8, मतलब क्या हो जाएगा, 84, यहाँ पे हो जाएगा 135। आप यहाँ पे अगर इस तरह से नहीं कर सकते, आप इस तरह से भी ऐड कर सकते हो, 55 प्लस 29, 9 प्लस 5 14, 5 प्लस 1 6 एंड 2 8, कितना आ जाएगा हमारा, 84। 3x 135, यहाँ पे प्लस 84 है, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा वो माइनस में, ठीक है। ये हमने क्या किया, ट्रांसपोजिंग 84 टू RHS, ठीक है, ये राइट हैंड साइड हमने मूव किया उसे, 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 135
माइनस कितना करना है हमें 84, 135 माइनस 84, 5 माइनस 4, 1, 13 माइनस 8 कितना हो जाता है 5, 51, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया 51, x इक्वल टू 51, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में 3 है, यहाँ पे कहाँ जाएगा वो डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा ट्रांसपोजिंग 3 टू आर एच एस, हमने क्या किया मल्टीप्लीकेशन में था वो यहाँ पे डिवाइड में ले लिया, तो 3 वन जा 3, 17 3 जा 51, x इक्वल टू कितना आया हमारा यहाँ पे 70, ये हमारी आई किसकी एज आई भरत एज, हमने एज्यूम किया था ना कि जो भरत की एज है वो कितनी है x ईयर्स है, तो x ईयर्स मतलब हमारी कितनी आई भरत की एज आई हमारी यहाँ पे 17 ईयर्स, राइट। अब हम क्या करेंगे भरत फादर एज, भरत फादर एज कितना दिया हुआ है x प्लस 29 ईयर्स, यहाँ पे हमने देखा था तो यहाँ पे कितना जाएगा 29 प्लस 17, 9 प्लस 7 कितना हो जाता है 6, 2 प्लस 1 3, यहाँ पे कितना आया था 16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, तो ये 46 ईयर्स उसके फादर की एज आ जाएगी। अब हम देखेंगे भरत ग्रैंडफादर्स एज, वो कितना है हमारा x प्लस 55, मतलब 17 प्लस 55, 7 प्लस 5 12, 5 प्लस 1 6 एंड 1 7, कितना आ जाएगा 72 ईयर्स, भरत है उसके जो ग्रैंडफादर है उनकी ये 72 ईयर्स हो जाएगी और भरत के फादर्स की एज यहाँ पे 46 ईयर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि's एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, व्हाट इज रवि's प्रेजेंट एज, हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है रवि की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है, तो सॉल्यूशन लेट द एज ऑफ रवि, मतलब उसकी रवि की जो प्रेजेंट एज है वो हम क्या लेंगे एक्स ईयर्स, ठीक है। अब उसमें क्या करना है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब प्रेजेंट एज और उसमें कितना ऐड हो जाएगा 15, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्रेजेंट एज हमने एक्स एज्यूम किए तो एक्स प्लस 15, क्योंकि प्रेजेंट एज में 15 ईयर्स ऐड हो जाएंगे तभी तो 15 ईयर्स आफ्टर आएंगे, ठीक है। और 4 टाइम्स दिया हुआ है, 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, ये क्या दिया हुआ है 4x हो जाएगा उसकी प्रेजेंट एज में हम 4 टाइम्स करें, टाइम्स मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय x, क्या होगा 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ आज के 15 साल बाद उसकी उम्र होगी वो उसकी आज की एज से 4 4 टाइम्स होगी, 4 गुना होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 15 साल बाद उसकी उम्र जो आज के 15 साल बाद उसकी जो उम्र होगी वो आज की उम्र से क्या होगी 4 गुना होगी, 4 टाइम्स होगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 इक्वल टू 4x माइनस x, ये क्या किया हमने ट्रांसपोजिंग क्या किया हमने यहाँ पे x है उसको 2 आर एच एस राइट हैंड साइड किया, यहाँ पे प्लस में था तो वहाँ पे माइनस में 4x माइनस x मतलब क्या हो जाएगा 3x, अब यहाँ पे 15 है 15 डिवाइड बाय क्या आएगा 3, यहाँ पे क्या हमने किया ट्रांसपोजिंग 3 टू किस तरफ किया एल एच एस, यहाँ से मल्टीप्लीकेशन में था तो यहाँ पे डिवाइड में गया 3 वन ज़ा 3, 3 फाइव ज़ा 15, तो x कितना आया हमारा 5, तो रवि's प्रेजेंट एज विल बी 5 ईयर्स, ये क्या है रवि's प्रेजेंट एज जो हमें फाइंड आउट करनी है वो हमें मिल गई कितनी दी हुई है 5 ईयर्स,